हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मेन पॉस्टुलेट्स यहाँ पर देखने वाले। तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट फोर्थ है। इससे पहली वाली वीडियो पे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉस्टुलेट्स देखा था, ड्रॉबैक्स हमने बात करा था वीबीटी के। तो जो आपके ड्रॉबैक्स हमने देखे थे वीबीटी के, जो आपकी लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो आपकी सॉर्ट आउट हो रखी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। ठीक है, तो इस वीडियो पे तो हम आपके तीन मेन पॉस्टुलेट्स देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम सीएफटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की यहाँ पर बात करेंगे। तो पॉस्टुलेट्स देख लेते हैं, क्या चीज़ यहाँ पर लिखी है। देखो, This theory was developed by Hans Bethe in 1929 and John van Vleck in 1932 and gives a much more satisfactory explanation for the bonding and the properties of the complexes. CFT में जो आपकी complexes की bonding है, जो properties हैं यहाँ पर complexes की, वो आपके यहाँ पर better तरीके से explain की गई है। The main points of this theory are as follows. तो ये कुछ आपके main postulates हैं। सबसे पहला postulate देखो, Whereas VBT consider the metal-ligand bond to be covalent, crystal field theory consider the bond to be ionic arising purely from the electrostatic interaction. VBT में क्या आप देख रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उसमें जो आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड बन रहा था, दैट मीन्स जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है और जो आपके पास लिगेंड है, उनके बीच में जो आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा था वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे सीएफटी में क्या है, जो आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आपके लिगेंड के बीच का, वो आपका आयोनिक है। और ये आयोनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड। मेटल आयन और लिगेंड के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है, देयरफॉर आपका यहाँ पर एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है। एज दीज इंटरेक्शन आर सिमिलर टू दोज बिटवीन द आयन्स इन अ क्रिस्टल, दैट इज वाई इट हैज़ बीन नेम्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में, यह आपका सेम है जैसा आपका आयन्स में होता है क्रिस्टल के अंदर। जैसे हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते थे NaCl क्रिस्टल, AgCl क्रिस्टल, तो उसमें आपके Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो उससे आपका पूरा क्या बनता था, क्रिस्टल में फॉर्म होता था। तो सिमिलर तरीके से आपका यहाँ पर भी हो रहा है, मेटल आयन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड्स पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे आपका क्रिस्टल में आयन्स फॉर्म होते थे, वैसे आपके यहाँ पर हुआ है। देयरफॉर इसका नाम रखा गया आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इफ द लिगेंड इज एन एनायन, अगर आपका लिगेंड एक एनायन है जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज है, देन एज द मेटल इज अ कटायन। अगर आपका लिगेंड एनायन होगा तो मेटल आपका क्या होगा, कटायन होगा। एनायन मतलब उसमें आपका नेगेटिव चार्ज है, मेटल मतलब उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है। देयरफॉर आपका यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है और आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, द फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन आर ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। तो इसमें जो आपके पास एट्रैक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, क्योंकि एक आपका एनायन है दूसरा कटायन है। देयरफॉर आपका यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। इफ़ द लिगेंड इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर आपका लिगेंड एनायन नहीं है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल अमोनिया है, वाटर मॉलिक्यूल है, जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो ऐसे केस में जो आपका नेगेटिव एंड है डाइपोल का, न्यूट्रल मॉलिक्यूल केस में आपके इन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल होगा। तो उस डाइपोल में जो आपका नेगेटिव एंड है, डाइपोल मतलब एक नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव, ये आपका डाइपोल होता है। तो नेगेटिव एंड जो आपका डाइपोल का है वो आपका अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल कटायन। तो जो आपका सेंट्रल मेटल कटायन है जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन है, वो आपका क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव एंड डाइपोल का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉस्टुलेट था। सेकंड, इसको क्या लिखा है, इट ट्रीट्स ईच लिगेंड एज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो आपका CFT है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो हर एक लिगेंड को एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ यहाँ पर ट्रीट करता है, एक नेगेटिव चार्ज की तरफ यहाँ पर ट्रीट करता है। ये CFT आप यहाँ पर ट्रीट करता है हर एक लिगेंड को एक नेगेटिव चार्ज की तरफ। द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इज सच दैट द रिपल्जन बिटवीन दीज नेगेटिव पॉइंट्स आर मिनिमम। जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट है, जो आपके नेगेटिव चार्ज के यहाँ पर अरेंजमेंट से अराउंड अ सेंट्रल मेटल आयन, वो कुछ इस तरीके से है कि आपका रिपल्जन यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स का सबसे कम हो। तो कुछ इस तरीके से आपका अरेंज किया गया है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस का रिपल्जन यहाँ पर कम हो लिगेंड्स के बीच में। तो ये आपका यहाँ पर सेकंड पॉस्टुलेट्स कह रहा है। अब जो आपके तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉस्टुलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। क्या लिखा है, इट कंसिडर्स, जो आपका CFT है वो कंसिडर करता है द इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स ऑन द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है या जो आपके पास सेंट्रल मेटल आयन है, उसमें जो आपका डी ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल, तो उनमें के उनकी जो आपकी एनर्जीज़ है, उस एनर्जीज़ में आपका लिगेंड्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपका CFT यहाँ पर कंसिडर कर रहा है। उस लिगेंड्स का आपका क्या इफेक्ट पड़ रहा है डी ऑर्बिटल्स में। सेंट्रल मेटल आइटम होगा, उसके आपके डी ऑर्बिटल्स होंगे। सेंट्रल मेटल आइटम मतलब कि जो आपका ट्रांजिशन मेटल है, दैट मीन्स आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, या आपके पास कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है। तो जो आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन मेटल है, उसमें आपके पास जो डी ऑर्बिटल है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनकी जो एनर्जीज है, उस एनर्जीज में आपका लिगेंड्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो CFT उसको यहाँ पर कंसिडर कर रहा है। तो क्या चीज़ आपके यहाँ पर लिखी है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस CFT थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन अ फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जीज, दैट इज दे आर डीजनरेट। सीएफटी क्या कह रहा है यहाँ पर, इन अ फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन पे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोबाल्ट है या आयरन है या कोई और आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, तो उसमें आपके पास जो डी ऑर्बिटल्स है, जो आपके पास 3D ऑर्बिटल है जिसमें आपके पास 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, तो उसमें क्या आपके पास जो एनर्जीज है उनकी आपकी इक्वल है, और डी ऑर्बिटल्स की जब आपकी एनर्जीज इक्वल होती है तो उसको हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, जिसकी एनर्जीज आपकी इक्वल रहती है। ठीक है, अब क्या बोला है, दिस डीजनरेसी इज मेंटेन्ड इफ द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म अ स्पेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। अब जो आपकी डीजनरेसी है, जो आपके यहाँ पर एनर्जीज इक्वल है 3D ऑर्बिटल्स की, इन 5 डी ऑर्बिटल्स की जो आपकी एनर्जीज इक्वल है, ये मेंटेन आपकी कब रहेगी, जब आपका जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है अराउंड दैट सेंट्रल मेटल एटम या ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन के आसपास, वो आपका एक स्पेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जब बनाएगा तभी आपका यहाँ पर डिजेनरेसी मेंटेन रहने वाली है। क्लियर हो गया क्या चीज़ यहाँ पर बोला है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर समझना, देखो क्या है, CFT यहाँ पर ये कंसिडर कर रहा है कि लिगेंड्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है सेंट्रल मेटल एटम में जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जीज पे, सेंट्रल मेटल एटम के जो आपके डी ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जीज पे लिगेंड्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर CFT उसको यहाँ पर कंसिडर कर रहा है। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, आपके पास जो फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन है, फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन मतलब कि आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स अभी नहीं फॉर्म हुआ है, खाली आपके पास एक ट्रांजिशन मेटल आयन है। ठीक है, तो उसमें जो आपके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जैसे आपके पास आयरन पे 3D ऑर्बिटल्स होंगे, तो जो आपके 3D ऑर्बिटल है उसमें जो आपके 5D ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जीज आपकी इक्वल है, शुरुआत में उनकी जो एनर्जीज है वो आपकी इक्वल है, मतलब वो आपके डीजनरेट है, जिनकी एनर्जीज आपकी इक्वल होती है वो आपके डीजनरेट ऑर्बिटल्स यहाँ पर कहलाते हैं। अब ये आपकी जो डीजनरेसी है ये आपकी मेंटेन कब होगी, जब आपका नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट है उस सेंट्रल मेटल एटम के आसपास, मतलब जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल आयन है उसके आसपास जो आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, अगर वो आपका एक स्पेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड बना रहा है तब आपके यहाँ पर डीजेनरेसी मेंटेन होने वाली है। अगर वो सिमेट्रिक है, एक सिमेट्रिक फील्ड बना रहा है स्पेरिकली, तब आपका वो डीजेनरेसी यहाँ पर मेंटेन होगी, तब आपकी जो एनर्जीज होगी उस ऑर्बिटल्स की वो आपके यहाँ पर सेम रहने वाली है। किन ऑर्बिटल्स की, इन 5D ऑर्बिटल्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, However, if the negative field is due to ligands which may be anions or polar molecules such as water, ammonia, etc., with their negative end towards the central metal atom, the field no longer remains symmetrical. अगर आपका यहाँ पर नेगेटिव फील्ड लिगेंड्स की वजह से है, ये जो आपका फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है नेगेटिव फील्ड, अगर ये आपके लिगेंड्स की वजह से या किसी पोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से या अनायंस की वजह से, फॉर एग्जाम्पल आपके वाटर हो सकते हैं या अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, अब ऐसे केस में क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम आयन के आसपास जो आपके फील्ड है वो आपका सिमेट्रिकल यहाँ पर नहीं रहेगा। ऐसे केस में आपकी डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाएगी, ऐसे केस में आपकी जो एनर्जीज है वो आपकी ब्रेक हो जाएगी, जो आपकी एनर्जीज पहले सेम थी, जो आपकी सिमेट्रिकल थी, वो अब आपकी सिमेट्रिकल नहीं रहेगी अगर आपके लिगेंड्स कॉन्टैक्ट में आ गए। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर लिखी है, इफ़ द नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू द लिगेंड्स विच मे बी अनायंस और पोलर मॉलिक्यूल सच एज वाटर, अमोनिया एट्सेट्रा, विद देयर नेगेटिव एंड टूवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम द फील्ड नो लॉन्गर रिमेन्स सिमेट्रिकल। इसका मतलब है कि अगर जो आपका ये नेगेटिव फील्ड बन रहा है, जो आपका एक नेगेटिव फील्ड बन रहा है, अगर ये आपके लिगेंड्स की वजह से बन रहा है, अब लिगेंड्स आपके अनायन भी हो सकते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, अमोनिया, अगर उनकी वजह से आपका ये लिगेंड, ये आपका पूरा फील्ड बन रहा है, तो ऐसे केस में आपके पास जो डीजेनरेसी है वो आपके यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी, आपका यहाँ पर सिमेट्रिकल फील्ड नहीं बनेगा। तो क्या लिखा है, कंसिक्वेंटली द डीजेनरेसी इज स्प्लिट। डीजेनरेसी स्प्लिट मतलब कि पहले जो आपकी एनर्जी इक्वल थी, पहले जो आपकी 5D ऑर्बिटल्स की एनर्जीज इक्वल थी, वो अब आपकी इक्वल नहीं है, वो आपके यहाँ पर जो डीजेनरेसी है वो आपकी स्प्लिट हो चुकी है। एक आपका T2G में होती है, एक आपका EG में होती है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। अभी यहाँ पर आप समझो, जब आपके लिगेंड्स कॉन्टैक्ट पे आए डी ऑर्बिटल के साथ, तो हुआ क्या, यहाँ पर आपका रिपल्जन देखने को मिला। डी ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स है, लिगेंड के पास भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स जब आपका फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन था तब तो उसमें आपकी एनर्जीज इक्वल थी, लेकिन जब आपके लिगेंड से कॉन्टैक्ट में आए, लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज और डी ऑर्बिटल के पास जो आपके नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपके कॉन्टैक्ट में आए, तो रिपल्जन देखने को मिला, एनर्जी आपकी बढ़ी, तो यहाँ पर आपकी डीजेनरेसी स्प्लिट होगी, डीजेनरेसी आपकी ब्रेक होगी। डीजेनरेसी ब्रेक मतलब आपके जो एनर्जीज पहले इक्वल थी 3D ऑर्बिटल्स की, वो आपकी अब यहाँ पर एनर्जीज इक्वल नहीं है, वो आपकी स्प्लिट हो जाएगी दो उसमें। ठीक है, एक आपका T2G ऑर्बिटल होता है और एक आपका EG ऑर्बिटल होता है। अभी इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझो, जब आपका लिगेंड्स कांटेक्ट में आए उस डी ऑर्बिटल के साथ जिनकी एनर्जी सबकी पहले इक्वल थी, तो कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, रिपल्जन हुआ। रिपल्जन क्यों हुआ, क्योंकि लिगेंड्स पे भी आपका नेगेटिव चार्ज है और आपका डी ऑर्बिटल्स में भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, रिपल्जन देखने को मिला, रिपल्जन हुआ, तो जो आपकी डीजेनरेसी है वो स्प्लिट होगी, वो ब्रेक होगी है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर जो एनर्जीज है वो आपकी इक्वल नहीं है डी ऑर्बिटल्स की। तो क्या लिखा है, कंसिक्वेंटली द डीजेनरेसी स्प्लिट, द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड एंटरिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द सेंट्रल मेटल आइटम या आयन। अब जो आपके यहाँ से स्प्लिटिंग हो रखी है, जो आपके यहाँ पर डी जनरेट ऑर्बिटल्स की जो आपके यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रखी है, कितना इन्फ्लुएंस करेगी वो किस में डिपेंड करेगा कि आपका नेचर कैसा है, आपके लिगेंड्स का नेचर कैसा है, आपके वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या वीक फील्ड लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो आपकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो आपकी ज़्यादा होगी, वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तो आपका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आपकी कम होगी। ये पूरा ऑर्डर होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी आपको ये समझना है कि जो आपकी एनर्जीज इक्वल थी डी ऑर्बिटल्स में, वो लिगेंड्स के कॉन्टेक्ट से आने पे वो आपकी एनर्जी स्प्लिट हो जा रही है, ठीक है, मतलब वो ब्रेक हो जा रही है। अब आपकी वो एनर्जी इक्वल नहीं है उन ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स की। क्लियर हो गया? तो ये आपका थर्ड पोस्टुलेट था। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फिर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, फिर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखेंगे, T2G ऑर्बिटल क्या होता है, EG ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फिर आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, फिर आपका CFSC क्या होता है, उनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो अपने पॉस्टुलेट्स देखें, तीसरे पॉस्टुलेट्स को आप जरूर ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, रिपीट करके आप देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।